ब्रेकफास्ट चाय पराठा। तो यहाँ पे चाय लिया है, दो पराठा लिया है, यहाँ पे केक रस लिया है, और यहाँ पे मेरे नानी दीदा भी खा रही है, ब्रेकफास्ट कर रही है दीदा। और यहाँ पे देखो बाहर का बारिश दिखा रही हूँ, देखो देखो सुबह से स्टार्ट हुआ है बारिश, ऐसे बूंद गिर रहा है, तो सुबह से ऐसे ही बारिश हो रहा है हल्का हल्का, लेकिन सुबह से स्टार्ट हुआ है, आज 8 बजे से शुरू हो गया है बारिश। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू जय फैमिली ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सुबह के बजे ना हम कर रहे ब्रेकफास्ट, और सुबह प्लॉट गई थी 8 बजे, तो 8 बजे प्लॉट से थोड़ा सा सब्जी वगैरह लेके आई हूँ, और वहीं से बारिश का हल्का हल्का बूंद स्टार्ट हो गया था, तो अभी हमारे यहाँ पे 8 बजे से शुरू हो गया है बारिश। तो बारिश यहाँ पे हो रही है, लेकिन तेज़ नहीं हो रही है, हल्का हल्का बारिश हो रही है, लेकिन दिन भर आज बारिश है दिखा रहे हैं। तो अभी ब्रेकफास्ट बनाया है चाय पराठे, तो अभी खा रही हूँ ब्रेकफास्ट करके, फिर दिन भर में क्या क्या करती हूँ सब आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आज का अभी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और उसके बाद आती हूँ, और नानी भी ब्रेकफास्ट कर रही है अभी मेरे सामने बैठ के, तो चलो ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। करना चाहिए था, छाता लेके आ गई है, देखो हमारी सुनीता छाता लेके आई है, अभी बारिश कितना हो रहा है, देखो बाहर छाता बाहर लटका दिया, ये देखो सुनीता अभी एंट्री हुआ है, बारिश हो रहा है तो छाता लेके आई है, और 10 तो बाजी गए हैं, तो वो अभी अभी आई है, बारिश अभी भी हो रहा है, देखो कितना तेज बारिश, अभी थोड़ा तेज होने लगा है। हाँ बोल, बारिश हो रही है सुबह से 8 बजे से बारिश स्टार्ट हुआ है, और अभी भी चल रहा है बारिश, 10 बज गए हैं, तो देखो बारिश अभी भी हो रहा है, ऐसे ही बारिश हो रहा है, आज पूरे दिन भर ही बारिश है, लेकिन तेज बारिश नहीं है, ऐसे हल्का हल्का बारिश हो रहा है, ये देखो ये मोर का साउंड आ रहा है, हमारे यहाँ से मोर भी दिखता है, सच से बारिश का मौसम। और अभी कुछ अच्छे अच्छे खाने का मन कर रहा है, देखते चिकन विकन बनाऊंगी अभी जाके नीचे, चिकन अभी मंगाया है, तो थोड़ा फूल तोड़ने आई थी पूजा के लिए, तो देखो फूल तोड़ते तोड़ते बारिश में भीग जाऊंगी, इतना तो बारिश हो रहा है, 5 मिनट यहाँ रुकते ही मैं भीग जाऊंगी, फिर भी तोड़ना पड़ेगा। तो सुबह थोड़ा प्लॉट से लेके आई थी फूल तोड़ के, अभी थोड़ा सा पेड़ से तोड़ूंगी, और नानी है घर पर, अभी नानी पूजा करेगी, तो मैंने उनको बोल दिया आज पूजा करने के लिए, क्योंकि आज मुझे बहुत काम है, तो टाइम लगेगा नहाने में। और देखो मोर का साउंड आ रहा है, ये देखो मेरे पिजन सारे बंद है, आज ये पूरे दिन भर ही बंद रहेगा, छोड़ूंगी नहीं, आज छोड़ते ही सारे एकदम भीग जाएगा, और बीमार होने का चांसेस रहता है बारिश में, तो एक बार इनको छोड़ देती हूँ ना, तो जल्दी से अंदर नहीं जाते, ऊपर चले जाते, एकदम यहाँ पर टॉप पर बैठे रहते हैं बारिश में भी, इसीलिए नहीं छोड़ूंगी। और नीचे कुछ है, अभी दाना वाना घेर दिया है, ये देखो तो बारिश का मौसम है, और चिकन खाने का अलग ही मज़ा है, तो बाहर बारिश हो रहा है, तो लास्ट मेनू है आज चिकन, चिकन मैं कैसे बना रही हूँ, तो देखो आज मैंने तेल में, गरम तेल में डाल दिया था थोड़ा सा जीरा, तेज़पत्ता, उसके बाद प्याज, तो प्याज को लाल लाल होने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है टमाटर, तो टमाटर को अच्छे से अभी इसको गलने तक अच्छे से इसको भूनूंगी, उसके बाद बाकी इसमें चिकन में मैरिनेट करके रखा पहले से ही वो डालूंगी, और इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए, और टमाटर में ना नमक डालते ही जल्दी से गल जाता है, और अब ये देखो मैरिनेट किया हुआ चिकन मैंने डाल दिया है, तो चिकन में वही बेसिक मसाला मैंने डाला है, हल्दी, नमक, और इसमें जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और अदरक का पेस्ट मैंने डाला, हरी मिर्च का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट, सब कुछ डाल के, दही डाल के अच्छे से आधा घंटा तक मैं इसको मिक्स करके, थोड़ा मस्टर्ड ऑयल भी डाला था,
और उसको फिर ढक के आधा घंटा रख दिया था। और उसके बाद फिर ये डाला है, और अभी देखो इसको मैंने अच्छे से ढक ढक के कषा लिया है, मतलब अच्छे से भून लिया है, क्योंकि मसाला में से जब तक तेल ना निकले तब तक इसको अच्छे से भूनना है। 15 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से भुना है ताकि एकदम चिकन नरम हो जाए। तो इसी स्टेज पे इसमें मैं पानी डालूँगी। तो चिकन को ना भूनते ही ये गल जाता है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है अभी देखो कलर। तो इसमें अभी थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी क्योंकि ये चिकन ऑलरेडी गल गया है, तो इसमें थोड़ा सा ही पानी डालूँगी। डाल के अच्छे से इसको 10 मिनट तक और पकाऊँगी, और उसके बाद फिर एकदम चिकन हो जाएगा रेडी। तो अभी इसमें इतना ही पानी डाला जितना मेरे को ग्रेवी के लिए चाहिए, और फिर इसको अच्छे से मैंने ढक ढक के पकाया है, और इसको थोड़ा सा और अच्छे से मैं पकाऊंगी। और ये देखो एकदम रेडी हो गया है चिकन। और इसमें ना अभी थोड़ा सा मैं होममेड गरम मसाला डालूंगी, और इसको मैंने शिलवट्टा में पीसा है गरम मसाला। हमेशा मैं रोस्टेड गरम मसाला डालती हूँ क्योंकि वो अभी घर में ख़त्म हो गया, तो मैं इसको पीस लिया है दालचीनी लौंग इलायची और उसमें थोड़ा सा काली मिर्च डाल के अच्छे से शिलवट्टा में पीस के वो मसाला डाला है। तो ये मसाला कच्चे मसाला है, तो इसीलिए इसको सब कुछ अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट और अच्छे से इसको ढक के रखूँगी ताकि ये जो मसाला का कच्चापन ये निकल जाए और एकदम बढ़िया सारे चिकन में इसका फ्लेवर आ जाए। तो इसीलिए अब इसको सिर्फ 2 मिनट और एकदम स्लो फ्लेम में रखूँगी और एकदम चिकन हो जाएगा रेडी। और चिकन में मैं ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखती हूँ क्योंकि हमारे घर में चिकन में ज़्यादा ग्रेवी कोई पसंद नहीं करता, तो इसीलिए एकदम गाढ़ा गाढ़ा ही ग्रेवी रखूँगी। तो देखो और तेल ऊपर अभी निकल आया है और चिकन एकदम रेडी हो गया है। तो ये मेरा चिकन रेडी है। तो इस तरह से ही आज मैंने चिकन बनाया है। शाम के बज रहे 6 और 6 बजे आसमानों का ये हाल है। तो आज पूरे दिन भारी बारिश हो रही है। देखो शाम 6 बजे का ये हाल है आसमानों का, बादल ही बादल छाया हुआ है, सुबह से ही बारिश हो रहा है जम के, और बूंद एकदम अभी भी गिर रहा है हल्का हल्का। तो यहाँ पे देख सकते हो हल्का हल्का बूंद अभी गिर रहा है। तो अभी शाम के 6 बजे ऊपर आई थी मैं थोड़ा मेरे पिजनों को दाना डालने, क्योंकि पूरे दिन भर आज मैंने पिजनों को छोड़ा ही नहीं क्योंकि पूरे दिन भर ही बारिश हो रहा है। तो बस दोपहर तो बारिश की वजह से सारे पिजन अभी बंद है और ये सब बंद ही रहेगा आज पूरे दिन। कल अगर सुबह से बारिश नहीं हुआ तो सुबह छोड़ दूंगी, लेकिन आसमानों का जो हाल है तो लगता है सुबह भी बारिश होगी। कोई चांस नहीं है कि सुबह धूप निकलेगा क्योंकि एकदम बादल ही बादल है, और अभी भी बारिश देखो गिर रहा है हल्का हल्का ये देखो। तो पता नहीं इसमें समझ में आ रहा है या नहीं, लेकिन बारिश गिर रहा है हल्का हल्का बूंदी, अभी मेरे फ़ोन पे भी गिर रहा है। तो अभी जाऊंगी मैं नीचे। गुड इवनिंग फ्रेंड, तो शाम के बज रहे 6, तो 6 बजे अभी आई हूँ ऊपर पिजनों को दाना डालने, लेकिन बूंद गिरना स्टार्ट हो गया है, हल्का हल्का बूंद गिर रहा है। थोड़ी देर बाद बारिश बहुत तेज़ हो जाएगा क्योंकि इतना बादल है आसमानों में, पूरा बादल ही बादल है, और आज पूरा रात भर जम के बारिश होने वाला है। कोई चांस नहीं कि कल सुबह भी धूप निकलेगा क्योंकि पूरे आसमानों का ऐसे हाल है, और आज सुबह से ही बारिश हो रही है। 2 घंटा बस दोपहर को रुके थे बारिश, दोबारा से स्टार्ट हुआ और अभी भी बारिश शुरू हो गए हैं। तो सुबह 8 बजे से स्टार्ट हुआ है हमारे इधर बारिश, तब से बारिश ही हो रहा है। बस 2 घंटा थोड़ा सा का बारिश बंद हुआ था, दोबारा से स्टार्ट हो गया। अभी देखो यहाँ पे बहुत, अभी बोलते बोलते बारिश तेज आने लगा है, और अभी जाऊँगी मैं नीचे। पिजनों को तो मैंने दाना डाल दिया है, थोड़ा इनका पानी वगैरह भी चेंज कर दिया सुबह से, थोड़ा नहीं क्योंकि बारिश में ना ये बीमार हो जाते हैं, जो गिल्ले हो जाएंगे फिर इधर उधर भाग जाते हैं। बारिश के मौसम में मैं छोड़ती नहीं हूँ इनको। अब चिड़िया पक्षी पाल रखा है तो इनका देखभाल भी ज़रूरी हो जाता है। तो चलो अभी चलती हूँ नीचे, और 6 बज रहे, आधे घंटे बाद फिर हमारे चाय टाइम हो जाएगा।
फिर चाय बनाऊंगी। नानी नीचे है और छोटे बेटे भी हैं घर पे, तो अभी नीचे जाके थोड़ी देर बाद चाय बनाऊंगी। अभी नानी नीचे बैठ के फिल्म देख रही है, बांग्ला फिल्म, तो नानी को अभी मैं फिल्म लगा दिया है टीवी में, वही देख रही है बैठे बैठे। तो चलो अभी चलती हूँ नीचे। तो चाय और दाल पकौड़ा शाम का स्नैक्स। और यहाँ पे देखो तेल है जो अभी मैंने फ्राई किया है, और क्लिप मैंने नहीं लिया है, तो क्लिप लेना भूल गई थी फ्राई किया करते वक्त का। तो यहाँ पे देख सकते हो चाय का कलर मस्त आया है। तो चाय और दाल पकौड़ा शाम का स्नैक्स आज। और यहाँ पे मैंने अभी अभी फ्राई किया है, वो क्लिप नहीं लिया मैंने, भूल गई थी लेना। तो ये लो चाय पकौड़ा हमारा रेडी है, अभी हम पियेंगे चाय पियेंगे। तो दीदा को अभी चाय दे दिया है, कैसा लगा पकौड़ा बताओ? ओ दीदा पकौड़ा क्या मन लगलो खेते? तो दीदा अभी चाय पी रही है और पकौड़ा फिनिश कर दिया। तो आज का शाम का स्नैक्स चाय और पकौड़ा। तो ये एक कप भर के चाय लेके आई हूँ। आज चाय बहुत कड़क बनाया मैंने आज, इसमें अदरक उदरक डाल के, क्योंकि बारिश का मौसम है, आज चाय पकौड़ा खाने का मन करता है। पकौड़ा जो है ये दाल मैंने कल रात को भिगो के रखा था दाल बनाने के लिए, लेकिन नहीं बनाई थी रात को, तो उसी दाल को पीस के इसमें हरी मिर्च प्याज और थोड़ा सा मसाला डाल के ये मैंने बना दिया है दाल पकौड़ा। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारा शाम का स्नैक्स है दाल पकौड़ा और चाय। तो अभी चाय पी के फिर फिश लेके आए हैं, उसको क्लीन करूँगी। तो उससे पहले चाय और पकौड़ा खा लेती हूँ, तो उसके बाद फिश क्या क्या लेके आए वो दिखाऊंगी आप लोगों को। तो पहले चाय पी लेती हूँ। तो सुबह तो लंच में भी मैंने आया था चिकन, हमारा फिश ख़त्म हो गया था। रात को मेरे हस्बैंड फिश लेके आए फिश मार्केट से, तो वो फिश अभी क्लीन कर लिया है, इसको सारे फ्रिज में रख दूँगी और जो मुझे अभी बनाना है वो बनाऊँगी। तो यहाँ पे पूठी, इलिश, रोहू, चिंगड़ी सब फिश लेके आए हैं। तो अभी तो इलिश का भी सीजन चल रहा है, तो इलिश लेके आते जो अभी फिश मार्केट जाते हैं। और पूठी आजकल बहुत ही अच्छा आ रहा है बड़े बड़े साइज़ के। तो आज ये देखो पूठी में हल्दी नमक लगा के मस्टर्ड ऑयल में फ्राई कर रही हूँ, ये बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। और सारे पूठी में अभी अंडा भरा हुआ है, इस मौसम में ना पूठी में भी हर फिश में अंडा हो जाता है। तो फ्रेंड अभी देखो रात का हमारा आज का डिनर यही है, चावल बनाया है, फिश करी बनाऊँगी, पूठी फिश फ्राई कर रही हूँ, दो तीन आइटम बनाऊँगी। और इसी के साथ आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड। तो बाय बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग में। सब लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। टाटा, बाय बाय।